बताइए हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं सही कह रहे हैं सर, तो 9 दिन में यदि हम 100 करोड़ हो इसका जाएंगे, एक ऑफिस सर जमीन वमीन की व्यवस्था कराएं क्या? नोएडा में एक ऑफिस खोली है, नोएडा दिल्ली तो एक ही है इस समय। देखिए मैं ये कह रहा हूं यदि आप सब भी मैथिली सण गुप्त बन जाएंगे शपथ लेके, तो आपको कहीं वो नहीं खोलना पड़ेगा, और यदि आपका कुछ है तो वहां हम पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक प्रोग्राम बुलंदशहर में कर दीजिए, नोएडा में भी एक प्रोग्राम कर दीजिए। मनीष चौधरी जी हमारे पास आए हैं, मनीष चौधरी बुलंदशहर के इस समय हमारे पास बैठे हैं, आए थे ये घटना की वजह से, जी, इनसे बात करा रहे हैं। बुलंदशहर में एक प्रोग्राम आप कर दीजिए बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अब मेरी बात और कराइए उनसे। क्या नाम हाँ बताया आपने हाँ इनका? मुनीष चौधरी जाट होते हैं ना, चौधरी जाट लिखते हैं, वहाँ हाँ हाँ जाट हैं आइए बात बात बुलंदशहर कराइए में। मेरी। हाँ हम बात बात कर लो सर जी। नमस्कार मुनीश चौधरी जी नमस्कार, एक बार आप अपना परिचय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, मैं भारतीय किसान संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी संघ का संगठन है हमारा जी और हमने अभी 4 करोड़ लोगों को जोड़ा है, ऐसे ही बहुत जैसे सुंदर, आपने बहुत सुंदर, बताया। बहुत सुंदर। हमने कहा भाई हमारा संघ का संगठन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार का विरोध करते हैं। भाई इन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी ट्यूबवेलों का बिल माफ कर देंगे, डिप्टी सीएम एक ने एक हमारी मिनट, यूपी एक के। मिनट, एक मिनट, एक बार नाम फिर से बताइए चौधरी जी। मनीष मुनीष चौधरी, कुमार। हाँ मनीष कुमार चौधरी, राइट? जी। तो मनीष कुमार चौधरी जी, आप जितनी अपनी मांगे हैं वो मांगे जी एक कागज में लिख के आप मुझे भेज दो, और मैं यदि आपको आश्वस्त करूं कि 10वें दिन वो मांगे पूरी करने के लिए मैं आपके लिए कृतवद्ध हूं, और इसके लिए आपको ना जंतर मंतर जाना पड़ेगा ना कहीं पे कोई आंदोलन करना पड़ेगा। और ये बताइए 9 दिन छोटा समय है या बड़ा समय है? 9 दिन छोटा समय तो नहीं है, बहुत बड़ा समय होता है, 9 दिन कोई 9 दिन वो नहीं बहुत है। छोटा समय है, यहाँ तो 9-9 महीने निकल जा रहे हैं, ठंड में सिकुड़ रहे हैं, आंदोलन करके रोड पे बैठे हुए हैं, साथ साथ मान्यवर तो जी साथ, एक मिनट, हमारा हाँ एक मनीष जी, हमारे 800-800 लोग किसान मर जा रहे हैं, हमारे ऊपर केस लादे जा रहे हैं, हमें जो है ना प्रताड़ित किया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं हमें और आपको किसी को जो है ना मुकालता नहीं होना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो वो तीनों तीनों जो है दृत दृत नुमा एक्ट आपके सिर पे अभी भी थोपे हुए होते। हाँ तो पे वो बिल्कुल तो करेक्ट, एक मनीष सौ जी एक मैं परसेंट आपको आप एक छोटा सही सा उपाय बता रहा हूं, और मैं गारंटी जी ले रहा हूं आपको नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जाना है। क्या आप जी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर, और क्राइम फ्री भारत मिशन के जो 21 लक्ष्य हैं आपको मालूम है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? जी सबसे पहले गुलामों के जो नियम कानून हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए हमारे ऊपर आज भी थोप के रखे हैं, उनमें जी की आत्मा बदल दी जाएगी, उनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। अभी जी जो 3 एक्ट में परिवर्तन हुआ है वो बहुत सिंबॉलिक है, आत्मा जी वही है, राइट, जी जी वो जी बदल जाएगी। दूसरा जी जो प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है जो अंग्रेजों ने आप थोपी है। भारतीय हाँ हमारे भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाई थी। मनीष जी आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत हूँ सर, आज आप जाते हैं क्या आपकी सुनवाई होती है? नहीं होती सर। आपका सिर फटा हुआ होता है और थाने से आपको भगा दिया जाता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, यही बात है सर। और आपका अपोनेंट पैसे देके राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके आपके विरुद्ध झूठा या बड़ा चढ़ाकर जो है ना जुर्म कायम करा देता है। हाँ यही हो रहा सर, फिर बिल्कुल एक व्यक्ति की गलती होती है और आपके पूरे खानदान का नाम लिख दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है, और मुचलके कर आप दिया जो है जाता है। भगे रहते हैं, परेशान रहते हैं, घूस देते हैं, और बरसों बरस वो मुकदमा आपके सिर पर थपार थपा रहता है, यही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप 101% मैं सहमत हूँ आपसे। तो आप ये बताइए ये व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बाध्य हो, और हम जैसे बड़े अधिकारी यदि वो सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों का हर्जाना देने का वैधानिक नियम कानून में प्रावधान हो, तो आपका पूरे संकट दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बात है जी। अब न्याय के लिए भटक रहा आदमी जो 40-40 साल से उसे न्याय नहीं मिला,
किस बात पे कि एक चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, वो डरते हैं कोर्ट जाने से भी। अब आप ये मुझे बताओ, यदि आपको 5 सर्टेनिटी से बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाए, गलत FIR दर्ज करने वाला जेल में सड़ जाए, 15 दिन में अकाट साक्ष्य से आप जो ना चालान पेश हो जाए, और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको न्याय मिल जाए, और साथ में धन की वर्षा भी हो, तो ऐसा सिस्टम जो है ना क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हाँ अब उसे जमीन पे उतारने के लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा। अभी जी आप ये बताइए, चारों तरफ जो है रासायनिक विष को परोसा जा रहा है और उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। और उसमें हमारा इतना नुकसान हो रहा, किसी के कैंसर, किसी के टीवी, किसी का कुछ ब्रेन हेमरेज, उसकी वजह से कीटनाशक के, उनकी वजह से ये सब हो रहा। बहुत सही कहा। तो ये तो आपके शरीर में प्रभाव पड़ रहे हैं, जमीन को भी तो सोचो, जमीन में जितने भी अच्छे जीवाणु थे सब मर गए हैं। हाँ, वो जब कीटनाशक लगेगी तो वो हमारे मित्र कीट मर गए, अब वो रह गए जो हमें नुकसान कर रहे हैं, जिसको जिसके लिए आपको कीटनाशक और डालना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा। राइट। अब आप ये बताइए, उसमें जो लवण है, साल्ट है, वो पानी से मिलके जो है ना आपकी जमीन को ऊसर बना रहा है। आप जो थोड़ी बहुत उपज ले पा रहे हैं वो केवल फर्टिलाइजर की, केमिकल फर्टिलाइजर की जो है स्ट्रेंथ पे ले रहे हैं, और आपकी जी जिंदगी जो है ना कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीजेज जो है ना, 2029 तक हमारा प्रडिक्शन है कि ये जी 66% लोगों को कैंसर हो जाएगा। जी तो जी इससे जी बचना है कि नहीं बचना है? बिल्कुल और बचना उसका उसका उल्टा सिनारियो देखिए आप। उल्टा है सिनारियो देखिए, उल्टा सिनारियो क्या है कि पानी आपका 8 फिट पे आ जाएगा, रासायनिक विष जो है ना पैदा किया जा सकेगा ना बेचा जा सकेगा, जी आपके सर खेतों में जीवा अमृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी, केंचुए से बना हुआ खाद, और आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स पैदा कर लिए गए हैं जो जी वातावरण से प्रोटीन्स वगैरह को और उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अवशोषित करके वो जमीन में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो बताओ, जी ऐसे माइक्रोब जीवित फैक्ट्रियां हो गई कि नहीं हो गई? जी तो ये जीवित फैक्ट्रियां आपकी जमीन पे आ जाएं और आपके जमीन पे काम करने के लिए मजदूर पहुंचे और उसे तत्काल भुगतान हो जाए और आपको पैसा ना देना पड़े। जी वो यदि आपके जमीन पे जो है ना बहुत अच्छा बीज पहुंच जाए और आपको पैसे ना देना पड़े, हाँ, इससे बढ़िया क्या बात है। यदि आपके जमीन पे जो है 5-5 साल पुराने पेड़ और वो भी फलदार औषधियों के ये सब जो है लग जाएं, और ना तो हाँ, आपको पेड़ के पैसे देना पड़े और ना मजदूरों के पैसे देना पड़े। सबसे अच्छा रहेगा। आप ये बताइए, यदि आपके 10 के आपके खेत के किनारे बड़े खेतों में 10 फीट गहरी खंती खुद जाए और उसमें छेद वाली टाइल्स लग जाए और उनके दोनों तरफ ये पेड़ लग जाए, और हाँ इन खंतियों में जो है आप जो है एक्वा कल्चर करें, जिसमें फिशेस से लेके और जो है मखाने से लेके हर चीज पैदा हो, और पानी जो छेद से जाएगा उससे आपके पानी का स्तर 8 फिट आ जाएगा, और इन सब चीजों के लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है। आपके खेत में गाय पहुंच जाएगी, गाय का शेड बन जाएगा, गाय को नहलाने धुलाने वाले लोग पहुंच जाएंगे, और उनका कुछ आपको पैसा नहीं देना होगा, और जो भी उपज होगी वो उपज जो है आपके खेत जी पे ही जो है उसका 1 MSP मिल जाएगा, और उस उपज के मालिक आप ही बने रहेंगे। हाँ, इससे बढ़िया और क्या है सर। मतलब उपज, आपको उपज का 1 MSP तो मिल गया है जो अभी नहीं मिल रहा है, राइट, और मालिक भी आप ही हैं, मालिक अभी आप जो है ना खत्म नहीं हुए, राइट। आप तब तक मालिक बने रहेंगे जब तक कि वो खाने वाले के मुंह में ना पहुंच जाए, राइट। बीच के जितने भी लोग हैं वो आपके सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे, तो जो वेयर हाउस वाला है वो अपनी जो सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, जो होलसेलर है वो जितनी सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, जो रिटेलर है जो जितनी सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, जो होम डिलीवरी बॉय है वो जितनी सेवाएं देगा उसको उतना भुगतान होगा, राइट। और ये सब भुगतान जो है ना किसान को अपने उससे नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट एक अलग से बनाया गया है, और कंज्यूमर एंड पर जो अभी 7 MSP 8 MSP पे लोग खरीदने के लिए मजबूर हैं, उन्हें अधिकतम 3 MSP पे जो है खाद्यान्न मिल जाएगा, और जो बचे हुए 2 MSP, 1 MSP तो हमने किसान को पहले दे दिया कि नहीं दे दिया?
जी जो बचे हुए 2 MSP हैं वो जाएंगे किसान के डेबिट अकाउंट में, और उस डेबिट जी अकाउंट से ये सब भुगतान हो जाएंगे। तो आप बताइए, इससे बेहतर कुछ व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं 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 हो सकती इससे तो बेहतर। यदि ये व्यवस्था आपको मिल जाए और आपको किसी के दरवाजे पर ना जाने जाए, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे? हाँ बिल्कुल जुड़ूंगा जी, ओके मैं खुद भी जुड़ूंगा और जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के, उनसे भी इस बात को मैं, क्योंकि उनकी मीटिंग मोहन भागवत जी से होती है हर महीने। देखिए तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिनट मनीष जी, मैं एक बार फिर से बीच में टोकना चाहता हूं। मोहन जी भागवत जी और सभी लोग ये राजनेता हैं, ये सब हाँ अपने हित के लिए जी रहे हैं, चाहे हाँ आपके अध्यक्ष हो या आरएसएस के अध्यक्ष हो, सब अपने हित के लिए जी रहे हैं। हाँ तो हम जो है इनके पास भी ना जाएं, राइट? हाँ हम ये कह हाँ रहे हैं हम इनके पास जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज नहीं जाएंगे, हम हाँ 9 दिन के बाद जाना चाहते हैं। और नौ हाँ दिन में हमें कुछ छोटा सा काम करना है, लोगों को नहीं जोड़ना है, अपने लोगों को जोड़ना है। और अपने लोगों की डेफिनेशन क्या है मनीष जी? अपने लोगों की हाँ बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, हमारे जो हाँ परिवार का सदस्य है वो हमारा अपना है, वो जो हमारा हमारा अपना रिश्तेदार है वो हमारा अपना है, हमारा जो हाँ हमारा सही मित्र बात है वो हमारा अपना है, जो हमारे पड़ोस में रह रहा है वो हमारा अपना है, जो जी हमारे आसपास के युवा साथी हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे जी जी आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे अपने हैं। और हम जिन जी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे जाति का संगठन हो, चाहे राजपूत संगठन हो, चाहे जाट संगठन हो, जो भी संगठन हो, ऐसे जितने भी संगठन हैं, उन सब संगठनों के जो लोग हैं, जो कि हमसे जी बरसों से जुड़े हुए हैं, इन सब के लोग हमारे अपने हैं। तो हमें जी बाहरी लोग को नहीं जोड़ना है, अजनबियों को नहीं जोड़ना है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है, और मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, राइट? वैसे तो 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10 लोगों को 9 दिन को छोड़ दीजिए, 10 जो है ना मुख्य लोग, जिनको आगे 10 लोगों को जोड़े, ऐसे लोगों को जोड़ो। यदि हमने जिनको जोड़ा और उन्होंने आगे जाकर 10 को नहीं जोड़ा, तो दूसरे 10 को जोड़ लीजिए, ठीक है ना? और उनको फॉलो करना है कि वो 10 को जोड़े। आप मात्र जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और फिर आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं जाना है, मोहन भागवत जी के पास भी नहीं जाना है, हाँ वो खुद हमारे पास आएंगे। हमें केवल अपनी छत पर चढ़ना है। हाँ और जो क्राइम फ्री भारत के जो हमारे ढेर सारे वीडियो हैं, वो हम फिर उनको और अच्छे ढंग से बना के वो आपको भेज देंगे, उनको छत पर चढ़ के जी थाली बजा के दीपक जला के जो है ना सुनाना है। तो हाँ आप बताइए, जिस दिन भी जो है ना थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे, उस दिन दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी?